आखिर क्यों बात कर रही है शिवानी विशाल से? जब सारे बिग बॉस ने विशाल को अपने आप से दूर कर दिया तो शिवानी क्यों बात कर रही है? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल फ्लिक्स इंपैक्ट। तो जैसे ही अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा, तब विशाल के पास सिर्फ 3-4 जन बचे थे जो उन्हें संभाल सके। सना मकबूल, कटारिया, शिवानी, यही बंदे थे। और जब से इन लोगों ने उसका साथ देना स्टार्ट किया है, तब से सारे लोग इनसे चिढ़ने लग गए हैं। अब सारे शिवानी के पीछे ऐसे पड़ चुके हैं जैसे शिवानी ने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। मेनली वड़ा पाव गर्ल उसके पीछे पड़ चुकी है कि तू क्यों विशाल से बात करती है। सब मना कर रहे हैं, वड़ा पाव गर्ल, अरमान मलिक, कृतिका, सब ने बिल्कुल ऐसे पीछे पड़ चुके हैं, इसको सुना सुना के पका दिया, जिससे इसकी तबीयत बहुत बुरी खराब हो चुकी है। और जब शिवानी बेहोश हो जाती है, तब अरमान मलिक बोलते हैं कि नॉमिनेशन के टाइम पे ही सारे बेहोश क्यों हो जाते हैं। अरमान मलिक उनकी तबीयत पे कमेंट करते हैं कि ये नाटक कर रही है। तब इस चीज में कटारिया और विशाल एक साथ होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि शिवानी नाटक कर रही है। तो ये विशाल वापस से सेम बोलने लग गया है अरमान मलिक से। इनका पता नहीं चलता है कि इनकी लड़ाई होती है, नहीं होती है, कब होती है, कुछ ही नहीं समझ आता। विशाल को मारा है कल थप्पड़, और आज विशाल ने अरमान मलिक से फिर बात की। और विशाल अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए बार बार इन लोगों के पीछे घूम रहा है। विशाल अरमान मलिक और कृतिका को समझा रहा है कि मैंने ऐसा कोई भी गलत वे में नहीं बोला। तब अरमान मलिक बोलता है कि तू भी समझ कि ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। तब कृतिका बोलती है, सुनो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना के ही गलत किया है। तब विशाल बोलता है, नहीं, चलो ना बाहर बात करते हैं, वहाँ अरमान भाई भी हमसे बात करेंगे। तब कटारिया भी उनके साथ होता है। कटारिया बोलता है, तुम सारे बाहर जाओ और आराम से बात करो कि क्या बात चल रही है। तब कृतिका बहुत गुस्से में होती है। कृतिका बोलती है कि हाँ, तुमने मेरे मुंह पे भी ये बोला था कि मैं सुंदर लगती हूँ, पर तुम्हें ये पूरे कैमरे के आगे नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ तो ठीक है, बट बाहर बहुत गंदी बातें हो रही है हमारे बारे में। तो विशाल बोलते हैं, चलो ना फिर बात करते हैं। तो कृतिका मना करती थी कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे अपनी चाय पीने जाना है। ये तमाशा यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है। तो कल लड़ाई हुई है, आज शायद सॉर्ट आउट भी हो चुका होगा। बट हाँ, विशाल के जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है अरमान मलिक से। जैसे ही अरमान मलिक घर से बाहर निकलेंगे, वैसे शायद हल्ला बोल सकते हैं सारे लोग। सबने रट लगा रखी है कि अरमान मलिक को घर से बाहर निकालें। अब पता नहीं अरमान मलिक घर से बाहर निकल लेंगे या नहीं निकलेंगे, बट अनिल कपूर ने भी बोला है कि अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो मेरे शो से निकल जाओ। हाँ, मानते हैं कि इसमें अरमान मलिक की गलती थी कि उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। जब वो सीन आया था कि जब अरमान मलिक और कृतिका जिम में थे, तब लव, कटारिया और विशाल एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब विशाल बार बार बोल रहा था कि भैया बहुत भाग्यशाली है। और दूसरे वे में जब विशाल के सामने कृतिका थी पिंक ड्रेस में, तब भी बोल रहा था कि भैया बहुत ज्यादा लकी है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसमें टोटली विशाल की गलती थी। तो इसकी फैमिली और फ्रेंड्स को इतना एंगर इशू नहीं दिखाना चाहिए, जबकि उनके ही बच्चे की गलती थी। तो अब देखते हैं अब बिग बॉस हाउस में से कौन निकलने वाला है, क्योंकि अनिल कपूर ने बोल दिया है कि आज की रात कोई ना कोई तो एक बंदा निकलेगा ही बिग बॉस हाउस में से। शायद वो विशाल हो सकता है, शायद वो वड़ा पाव गर्ल हो सकती है, शायद वो दीपक हो सकता है, और शायद वो अरमान मलिक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत अजीब है इस बिग बॉस में। और रणवीर ने ये तक बोला है कि शिवानी भी निकल सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदतमीज है। तो आज का तमाशा यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले तमाशे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।